आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ खुश होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो आज का व्लॉग शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली हमारे चैनल को लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब कर लें। आज है जी संडे और अभी है जी सुबह सुबह का टाइम। तो हम लोग जा रहे हैं जी आज नाश्ता करने। नाश्ता कहाँ करने जा रहे हैं? आज नाश्ता हमने सोचा कि चलें जी घर से बाहर करके आते हैं, रोज ही घर में करते हैं। तो चलो आज संडे भी है, छुट्टी भी है, थोड़ा टाइम भी है, तो जरा एंजॉय करके बाहर नाश्ता करके आते हैं। तो आज हम आपके साथ जो है ना रूटीन शेयर करेंगे कि शादी के बाद जो है ना मर्दों की रूटीन कैसे हो जाती है। आज आप लोगों को पाकिस्तान में मर्दों की रूटीन का भी पता चल जाएगा और बाकी सारी चीजों का पता चल जाएगा। अभी चलते हैं, जाते हैं, नाश्ता करते हैं। छोटे चौधरी साहब भी बैठे हैं, ये हमारी रूटीन का सख्त हिस्सा है। इनको प्रोटोकॉल देना भी हमारे क्या कहते हैं फ्राइज में शामिल है। ये सबसे पहले आ जाता है कि मुझे लेके जाए और कोई जाए ना जाए। चले शावेज जगह दे दे बेटा। जगह कोई नहीं देनी आपको, आपने इसके ऊपर ही बैठना पड़ेगा। इसको शावेज ऊपर सीट लेके बैठे बेटा, मामा की जगह कहाँ। अभी हम लोग बाहर पहुंचे हैं और रोड जो है ना बिल्कुल खाली है। अभी लोग जागे भी नहीं है। अभी हमसे भी बहुत से लोग हैं, हमसे भी आगे हैं। उन्होंने अभी जागना है, उठना है, फिर जाके वो नाश्ता वाश्ता करेंगे। हालांकि दिसंबर चल रहा है, जो अभी धूप निकली ना वो बड़ी सख्त कड़ाकेदार है। गाड़ी में जो है ना गर्मी लग रही है। एक नाश्ता कर दे देसी पूरी वाला और एक वो हाफ चने जो है वो कर दे, साथ में दो नान कर दे, दो कुलचे, बाकी दो कुलचे आप ले चले। हां हां यार टिश्यू भी दे देना यार। अभी हमारा नाश्ता आ गया, इसमें पूड़िया भी हैं, नान भी हैं, नान पूड़िया चने और ये पूरी वाला चने, ये पूरी वाला हलवा है। कैसा लग रहा है? पूरी बहुत ज्यादा ऑयली है इनकी, ये थोड़ी मोटी मोटी है, इसकी थिकनेस ज्यादा है, बहुत ऑयली, लेकिन इनका हलवा बहुत मजे का है। हलवा नेचुरल किस्म का जैसे घर में बनता है, और ये वाले जो चने हैं ना ये भी नेचुरल है, ऐसा लगता है ये घर में बने हो। शावेज को थोड़ा सा नान दे। हां नान के लिए फाइट कर रहे हैं, इसको नान चाहिए। ये ले, ये नहीं आप सुना नहीं खा सकते। ये थोड़ा ये बेचारा खाली नान ही खाता रहता है शावेज। आप तो एंजॉय करें ना, आपके लिए ये ना अच्छी लगती है। ऐसे लगा है चने, साथ में थोड़ा हलवा लगा ले। नाश्ता कर लिया है, पेट पूजा होगी, अभी जाएंगे घर और फिर पियेंगे जी चाय घर की, क्योंकि यहाँ से चाय नहीं मिली थी। और शावेज भी अभी भूखा है, इसने भी पेटू भर के नहीं खाया क्योंकि इसने थोड़ा सा नान खाया, इसके खाने की चीजें नहीं थी। ये भी घर जाएगा, इसका अपना जो है जाती पर्सनल नाश्ता जो है ना वो बनेगा और ये वो खाएगा। अभी सामने एटीएम मशीन आ गई, पैसे खत्म हो गए थे, एटीएम मशीन से पैसे निकलवाते हैं, फिर निकलते हैं जी घर के लिए। बड़ा ये सारा ये किसी ने देखे सेल किया हुआ है। यहाँ पे सारी वो ओल्ड चीजें हैं जो लोग मेरे ख्याल रीसेल करते हैं ना, घर की चीजें, ये वो वाली सारी यहाँ पे। शादीशुदा मर्दों के कामों में एक काम और भी ऐड हो गया और वो ये है जी देखें सैलून। तो अभी शावेज की मम्मा ने जाना है सैलून, कुछ काम वाम है, तो हम जरा यहाँ पे बाहर वेट करेंगे। शावेज बड़ा खुश हो रहा है, आपने भी जाना अंदर, शावेज को भी ले जाओ, शावेज को भी सैलून पे ले जाओ और इसकी कटिंग करवाओ, लेडीज वाली कटिंग करवा दो, इसको बड़ा शौक है लेडीज का। क्लींजिंग करवा दे शावेज की, क्लींजिंग क्लींजिंग करवाए। नाश्ता करके घर आ चुके हैं, चाय वाय भी पी ली है और शावेज जो है ना आते ही अपने काम में बिजी हो गए। तो कल था सैटरडे, सैटरडे वाला दिन एक आया था जी पार्सल, ये है जी शावेज की मामा का पार्सल, ये आया है जी ऑर्गेनिक ट्रैवलर की तरफ से। लेट्स सी, इसको ओपन करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो मैं इसके अनबॉक्सिंग करने लगा था, शावेज की मम्मा निकालेंगी, मैं नहीं कर दूँ, मैंने कहा चलो जी आए जी खुद ही करे, मैं कैमरा पकड़ लेता हूँ, आप अनबॉक्सिंग कर लेते। ये लास्ट टाइम मैं जब घर गई थी तो भाभी इसकी स्किन बड़ी ग्लो कर रही थी, तो मैंने उनसे पूछा तो वो कहती है उन्होंने फर्स्ट ये ऑर्गेनिक ट्रैवलर, इनकी शॉप नहीं है, ये सिर्फ ऑनलाइन जो है वो अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो ये यूज़ किए हैं तो स्किन जो है ना वो काफ़ी बेहतर हो गई थी उनकी, तो मैंने कहा मैं भी मंगवाऊँगी।
ऑर्गेनिक क्रैकर्स के, ये टू प्रोडक्ट्स हैं। ग्लो टॉनिक स्किन वाइटनिंग के लिए, और इसमें केमिकल्स कम, सीरम टाइप है कोई चीज, सीरम टाइप है ये, इस तरह के ये सीरम है, और ये कुछ ड्रॉप्स हैं वो कॉटन से अप्लाई करने। तो एक दूसरा ये दो प्रोडक्ट्स हैं, ये है रिवाइंड फेशियल सीरम, और इसका नाम देखिए कितने मजे का है, रिवाइंड वापस टीन एजिंग की तरफ जाएं। तो ये जो है वो एंटी एजिंग के लिए है, आपके अगर रिंकल्स आ रहे हैं या पिगमेंटेशन है तो उसके लिए बड़ी जबरदस्त। और ये विटामिन सी आपको पता है बड़ा इंपॉर्टेंट है स्किन के लिए, और इसकी एब्जॉर्प्शन पावर बड़ी जबरदस्त है, और ये भी स्किन को जो है वो ब्राइट करता है। मजे की बात है इनके साइड इफेक्ट्स नहीं है, नेचुरल है, और ये सारे के सारे सीरम बेस्ड है। ये भी सीरम लग रहा है और ये भी सीरम है और वो भी सीरम है, वो तो डेफिनेटली। तो ये है जी तीन प्रोडक्ट्स बाई ऑर्गेनिक ट्रैवलर। ये तीनों प्रोडक्ट्स कितने की मिली हैं? ज्यादा कॉस्टली नहीं है, सिर्फ 5,500 समथिंग है। ये यूज करेंगे तो रिजल्ट आएंगे तो ही पता चलेगा कि हाँ जी कैसे हैं। ये विटामिन सी वाले आप भी यूज कर सकते हैं और रिवाइंड भी आप यूज कर सकते हैं। चले जरा हम भी वो क्या कहते हैं ग्लो ग्लो वाले। शावेस हो गया है, तो फिर हम जाएंगे जी ग्रोसरी करने। ये आपको पता है ये एक बहुत बड़ा टास्क होता है फैमिली के लिए, घर के लिए। तो आज संडे है तो उसी हिसाब से ये लिस्ट तैयार हो रही है, और फिर हम जाएंगे और सारी जो है शॉपिंग वगैरह करके लाएंगे। तो किस क्या क्या चीजें शामिल है, सारी चीजें लेनी है या कुछ है? चीज खत्म हुई है, दाल चाहिए, राइस, आटा, चिकन। शावेस के लिए मैंने लेदर प्रोडक्ट्स बनाए से, लोशन नहीं खत्म हो गया है, मैंने कुछ क्लेंसिंग प्रोडक्ट्स लेने हैं, वाइप्स हैं, पैम्पर्स हैं, और भी चीजें हैं। मैं भी अच्छा अभी जो है ड्राइविंग सीट पे मैं खुद आ गया हूँ, तो अभी इनके साथ जो चीजें तो कुछ लिखी हैं, लेकिन ये है कि इनके साथ जो है ना कुछ क्वांटिटी भी लिखनी है कि हमने एक महीने के लिए कितनी क्वांटिटी लेनी है। अच्छा ये जो ऑयल चाहिए होता है ये कितना चाहिए होता है, एक महीने में कितना कंज्यूम हो जाता है? टू पैकेट्स का मतलब 2 लीटर काफी होते हैं? 2 लीटर, चलो 3 लीटर कर लेते हैं। ये सारी चीजें आपने मिक्स कर दी है, ये ग्रोसरी के सेपरेट सेपरेट लिखनी थी ना, जो चीजें स्टोर से मिलती हैं वो अलग से लिखें, और जो चीजें सब्जी वाली दुकान से बाहर से मिलनी वो बाहर से हम लिखेंगे ना। लोबिया मिस हो गया, रेड वाला भी वो शावेस के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। लोबिया रेड हो गया, सॉल्ट 1 पैक, हाँ जी मोर देन। राइस का माल ऑलरेडी ले गए थे, लेकिन ये कि वो घर वाले हैं तो वो अभी नए नए हैं तो वो सही तरह बंदे नहीं, तो अभी फिलहाल पुराने लेने होंगे और वो हमें स्टोर से ही परचेज करने होंगे। तो किसी ने मशवरा दिया कि आप मंथली शॉपिंग के करें, इस तरह आप हफ्ते रोजाना डेली बेसिस पे आप ना किए करें, इस तरह कोई समझ नहीं आती और खर्चा भी ज्यादा हो जाता है, पता भी नहीं चलता। ये जो ड्राई चीजें होती है ना वो हम पूरे मंथ के लिए कहेंगे, बाकी जो सब्जी है और चिकन वगैरह है ये हम वीकली बेसिस पे ले लेंगे। चलेंगे बाकी लिस्ट तैयार करते हैं और फिर निकलते हैं जी मार्केट के लिए। अभी जी हमारी क्रिकेट चल रही थी, शवेद और मेरी क्रिकेट चल रही थी, तो अभी चाय का टाइम हो गया, अब हम चाय पियेंगे फिर क्रिकेट खेलने जाएंगे। फाइनली जो है हमारी लिस्ट रेडी होगी, फुल लिस्ट बन गई है, और अभी हम जा रहे हैं जी ग्रोसरी की शॉपिंग करते हैं। आज जो सारा दिन है ना जिम्मेदारियां निभाते निभाते शाम हो गई, तो अभी जा रहे हैं जी, अभी भी नहीं आराम आया, अभी भी जा रहे हैं जी ग्रोसरी की शॉपिंग करने। और सारा दिन गुजर गया, अपने लिए टाइम भी नहीं निकाला, क्योंकि मैंने ये शेव वगैरह करवानी थी, बाल वगैरह सेट करवाने थे, वो भी नहीं करवाए, बस इन्हीं कामों में कभी उधर जाओ कभी इधर जाओ। ये वाली रूटीन है अभी तक ये कम शेयर की, मतलब ये फुल रूटीन ही शेयर की। चले अभी चलते हैं मार्केट और ग्रोसरी की शॉपिंग वगैरह करते हैं और फिर वापस आते, क्योंकि शाम काफी ज्यादा हो चुकी है, ताकि हम जल्दी जल्दी वापस आए और फिर वीडियो भी एडिट करनी है और फिर इसको यूट्यूब पे अपलोड भी करना है। तो ये देखें संडे ट्रैफिक प्रॉब्लम्स, संडे को ये हाल होता है हर जगह। पहुंच चुके हैं, तो ये सब्जियां भी आ गई आपकी, ये सब्जियां।
तो अभी इनको करना है जी स्टार्ट आउट, सारे को निकालना है और तरतीब से अपनी अपनी जगह पे रखना है। तो इंशाल्लाह जो है ना अब हमारा जो महीना जो है ना आराम से गुजर जाएगा। अब मजीद कोई चीज नहीं लेनी, जस्ट सब्जी वगैरह लेनी है, चिकन और मीट वगैरह ये वाली चीज लेनी, बाकी ये सारी चीजें महीने में चलानी है इंशाल्लाह। आप जिस देख के खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी चीजें आनी है इसके अंदर ना। तो चले इनको करते हैं सॉल्ट आउट, इनको अपनी अपनी जगह रखते हैं जहाँ जहाँ इनकी जगह है। टाइम भी काफी हो चुका है, तकरीबन रात के जो है ना 7 बज चुके हैं, अभी काम वाम और भी करने हैं। इसी के साथ आज की वीडियो खत्म करते हैं, उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमें दीजिएगा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।